हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फिन बैकी के कल हुए मनीला के फैन मीटिंग के बारे में, जहां फिन बैकी हमें एक अलग ही वे में नजर आए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि फिन की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस इवेंट को करने का डिसाइड किया। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फिन बैकी का ये मनीला में सेकेंड विजिट था और फैंस हमेशा की तरह इन्हें एक साथ देखकर काफ़ी हैप्पी थे। इवेंट से पहले हमें इसकी काफ़ी सारी तैयारियां देखने को मिली और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। यहां पहुंचकर सबसे पहले फिन बैकी हमें नज़र आए एक कपल डांस करते हुए, जो कि काफ़ी रोमांटिक था। और अब बात करते हैं इवेंट की। फिन बैकी ने सबसे पहले हमेशा की तरह एंट्री की अपने सॉन्ग को गाते हुए, और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। और देखिए, फिन का हैंड हमें हमेशा की तरह थोड़ी देर बाद बैकी की वेस्ट पर नजर आया। इतना कह सकते हैं कि फिन को बस बैकी को टच करने का मौका चाहिए। शायद ये पहली बार है जब हमें इनकी ड्रेसेस अलग अलग कलर में नजर आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने इस इवेंट में मैचिंग ड्रेसेस नहीं पहनी थी। सबसे पहले बात करते हैं फिन की, जहां फिन हमें ब्लैक ड्रेस में अपने सॉन्ग को गाते हुए अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं, और जिसमें काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रही हैं। जहां फिन हमें एक एलिगेंट लुक में नजर आई, वहीं बैकी के लुक और उनकी ड्रेस से सबकी हार्ट बीट रुक गई होंगी, क्योंकि बैकी इस ड्रेस में इतनी हॉट और ब्यूटीफुल जो लग रही हैं। लगता है बैकी ने अपने फैंस को मारने की पूरी तैयारी की हुई है। चलिए, ये तो थी फिन बैकी के लुक और डांस की बातें। इसके बाद बात करते हैं फिन के इस क्यूट मोमेंट की, जहां ये हमें एक टॉय व्हीकल के साथ खेलते हुए नजर आ रही हैं, और ऐसे खेलते हुए फिन काफ़ी क्यूट भी लग रही हैं। सच ही कहा है कि हमें अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, कभी कभी बचपने वाली हरकतें भी करनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे हमें खुशी ज़रूर मिलेगी। हंसी मजाक के बाद था क्वेश्चन आंसर के टाइम का, जहां देखिए बैकी क्यों शाय फील करने लगी जब फिन बैकी से पूछा गया कि जब उनके पास फर्क नहीं होता है तो क्या वे एक साथ एक बेड शेयर करती हैं। इस क्वेश्चन से आप इन दोनों की रिएक्शन देख सकते हैं, जिसका आंसर शायद फैंस को मिल गया होगा। और जिस चीज़ को आंसर मिला वो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना ही नहीं, फिन बैकी हमें इस इवेंट में इमोशनल होते हुए भी नजर आए, जब उन्हें उनकी ओल्ड पिक्चर्स स्क्रीन पर दिखाई गई। ये मोमेंट सच में इमोशनल था, जिन्हें देखकर फिन बैकी ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी इमोशनल थे। इमोशनल बातें छोड़कर अब बात करते हैं फिन बैकी के इन क्यूट मोमेंट्स का, जो कि देखने में काफ़ी क्यूट और फनी थे। और ये है इवेंट का लास्ट टाइम, जहाँ फिन बैकी ने अपनी सभी फैंस को बाय कहा। और आगे है आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर, शायद आप लोगों को पसंद आएगी। अब इवेंट हो या लाइव, एक दिन ख़त्म होना ही है। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। और द लॉयल पिन का स्पेशल चैप्टर फर्स्ट पार्ट कल आएगा।